सबको नमस्कार। अभी कुछ दिन पहले एक व्यक्ति मेरे पास आया और उसने मुझे बताया कि वो एक प्राइवेट हॉस्पिटल में गया। उस प्राइवेट हॉस्पिटल में उसने पूछा कि उसे कोरोना की बीमारी है, कोरोना का बेड चाहिए। पहले उन्होंने मना कर दिया, जब वो बहुत गिड़गिड़ाया तो उन्होंने कहा 2 लाख रुपए लगेंगे। मुझे विश्वास नहीं हुआ। अभी कुछ दिन पहले फिर एक दिन एक टीवी प्रोग्राम पे, लाइव टीवी प्रोग्राम के ऊपर एंकर ने एक हॉस्पिटल को फोन किया, हॉस्पिटल से पूछा जी कोरोना का मरीज है हमारे फैमिली में, हमें बेड चाहिए। हॉस्पिटल ने मना कर दिया। जब वो गिड़गिड़ाया तो हॉस्पिटल ने लाइव प्रोग्राम के अंदर कहा दूसरी तरफ से कि 8 लाख रुपए दे दो, बेड का इंतजाम हो जाएगा। मैं ये नहीं कह रहा कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल खराब हैं। दिल्ली की स्वास्थ्य सेवा के अंदर प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने बहुत अहम भूमिका निभाई है। दिल्ली के लोग प्राइवेट हॉस्पिटल्स के इस कंट्रीब्यूशन को सलाम करते हैं। लेकिन कुछ चंद प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जो इस महामारी के दौरान भी इस तरह की गलत हरकतें कर रहे हैं। पहले कहते हैं बेड्स नहीं है, और जब और इंसिस्ट करो तो कहते हैं 2 लाख रुपए दे दो, 5 लाख रुपए दे दो, 8 लाख रुपए दे दो। इसको बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग नहीं कहेंगे तो और क्या कहेंगे? तो ट्यूसडे को, मंगलवार को, पिछले हफ्ते मंगलवार को हम लोगों ने एक ऐप लॉन्च किया। हमने कहा ये ब्लैक मार्केटिंग क्यों होती है, क्योंकि जनता को पता ही नहीं कि इस अस्पताल में कितने बेड खाली हैं, कितने बेड भर गए, तो वो अपने हिसाब से ब्लैक मार्केटिंग कर रहा है। वो जो भी 2-4 कर रहे हैं, सारे नहीं कर रहे, सारे बहुत अच्छे हैं। फिर से मैं कह दूं कि सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स बहुत अच्छे हैं, 2-4 हैं जो बदमाश हैं। अगर हम इसको, हमने ये सोचा अगर हम इसको सारी जानकारी को ट्रांसपेरेंट कर दें, अगर हम जनता को बता दें कि भाई इस अस्पताल में इतने टोटल बेड हैं, इतने खाली हैं, इतने वेंटिलेटर हैं, इतने खाली हैं, तो जनता को सब पता चल जाएगा, फिर तो कोई गड़बड़ नहीं कर सकेगा। और पिछले मंगलवार को हम लोगों ने ये ऐप लॉन्च करके दिल्ली सरकार का और सारे अस्पतालों की लिस्ट डाल दी कि किस अस्पताल में कितने बेड हैं, कितने खाली हैं, और फिर तो जो बवाल हुआ, मतलब ऐसे टूट के पड़े कई लोग इसके ऊपर जैसे हमने कोई गुनाह कर दिया, जैसे हमने ये इंफॉर्मेशन डाल के गड़बड़ कर दी। अब लोगों को पता है कि इस अस्पताल का ये लिखा हुआ है, इसके अंदर 20 बेड हैं, खाली हैं 20 बेड, लेकिन ये बेड नहीं दे रहा। जब उसके पास जाओ तो कहता बेड नहीं है, झूठ बोल रहा है। दो चीजें, इस बेड को अपडेट हम तो कर नहीं रहे, इन्हीं सबको हम लोगों ने पासवर्ड दिया हुआ है, तो उस ऐप के ऊपर अस्पताल खुद अपडेट कर रहा है कि मेरे इतने बेड खाली हैं, और फिर कहता है बेड नहीं है। तो दोस्तों, इसको तोड़ने में ये जो कुछ लोगों ने, चंद लोगों ने माफिया बनाया हुआ था, इसको तोड़ने में थोड़ा समय लग रहा है। ये पूरे के पूरे एकदम से रिएक्ट कर रहे हैं। कुछ इनमें कुछ चंद अस्पताल दिल्ली के इतने पावरफुल हो गए हैं, सभी पार्टियों के अंदर उनका पहुंच है, ऊपर तक पहुंच है। अंदर प्राइवेट में धमकी दी है उन्होंने कि हम नहीं कोरोना के मरीज लेंगे, जो करना है कर लो। मैं उनको कहना चाहता हूं, कोरोना के मरीज तो लेने पड़ेंगे तुमको। आप लोगों को दिल्ली में अस्पताल बनवाया था पैसे कमाने के लिए, नहीं बनवाया था आपका अस्पताल, आपका अस्पताल बनवाया था दिल्ली के लोगों की सेवा करने के लिए। ऐसी महामारी के दौर में मोस्टली अस्पताल सेवा कर रहे हैं, मोस्टली अस्पतालों का पॉजिटिव एटीट्यूड है, लेकिन जो 2-4 अस्पताल इस गुमान में हैं कि वो अपनी दूसरी पार्टी के अकाउंट जो बैठे हैं उनके जरिए वो अगर कुछ करवा लेंगे, वो अपनी ब्लैक मार्केटिंग करेंगे, तो उनको मैं आज चेतावनी देना चाहता हूं कि बख्शा नहीं जाएगा उनको। कल से मेरी टीम लगी हुई है, हमने 2-4 अफसरों को बिठाया है, जितने ये प्राइवेट अस्पताल हैं
जिस जिस की लिस्ट है, जिस जिस को कहा गया है कि अपने अस्पताल में कोरोना की इलाज करो, एक 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 के मालिक को कल से बुला रहे हैं, एक एक का मालिक आ रहा है, उनसे पूछ रहे हैं, उनसे साफ साफ कहा जा रहा है कि देखो कोरोना के मरीजों का इलाज तो करना पड़ेगा, इसके अलावा अगर तुम्हारी कोई समस्या है तो बताओ, इसके ऊपर कोई नेगोशिएशन नहीं होगी कि इलाज नहीं करेंगे, इलाज तो करना पड़ेगा, 20% बेड रखने पड़ेंगे। कुछ लोग कहते हैं जी 20% बेड कैसे रखें, हमारी व्यवस्था नहीं है, तो ठीक है 20% मत करो, पूरे 100% बेड आपके कोरोना के लिए कर देते हैं। कुछ लोगों की जेन्युइन समस्या थी, कल से हमारी टीम, कल 33 हॉस्पिटल्स के साथ बैठक हुई, आज बाकी सारे हॉस्पिटल्स कवर कर लेंगे, क्योंकि हम नहीं चाहते जिन लोगों की जेन्युइन समस्या है। जैसे एक हॉस्पिटल आया, उसने कहा कि हमारा जी कैंसर हॉस्पिटल है, कैंसर के मरीज आते हैं वहां, अगर कोरोना के भी साथ में होंगे तो दिक्कत होगी, ठीक है। तो उन्होंने कहा जी हमारा एक और हॉस्पिटल है जो जनरल है, हम उसमें 40% कर देते हैं, 20% की बजाय इधर का कोटा उधर कर देते हैं। बहुत अच्छी बात है, हमने उनकी बात मान ली। इसी तरह से किसी की कुछ और छोटी मोटी समस्या थी, किसी की और समस्या थी, सबकी समस्याओं का समाधान कर रहे हैं। बस एक ही चीज नॉन नेगोशिएबल है, हमारे दिल्ली के लोगों का इलाज करना पड़ेगा, कोरोना के मरीजों का इलाज करना पड़ेगा, इस पे कोई नेगोशिएशन नहीं होगी। दूसरी चीज ये कर रहे हैं, मुझे कुछ दिन का समय दीजिए इसके ऊपर, मैं मानता हूं कि पहली बार इस तरह से कोई ऐप देश के अंदर नहीं, दुनिया के अंदर पहली बार बना है जो हर अस्पताल के बेड और वेंटिलेटर का डेटा इस तरह से ट्रांसपेरेंट कर रहा है, जनता को बता रहा है, और जनता जाके डिमांड कर रही है। मुझे बड़ी खुशी है कि सारे टीवी चैनल वाले, सारे अखबार वाले फोन कर करके एक एक अस्पताल की रोज रिपोर्ट ले रहे हैं, कह रहे हैं इस अस्पताल को फोन किया उसने मना कर दिया, इस अस्पताल को फोन किया उसने मना कर दिया, लेकिन इसका कुछ थोड़ा बहुत फायदा भी हुआ है। ट्यूसडे को जब हमने इसको लॉन्च किया था, दिल्ली में सारे अस्पतालों को मिला के 2800 मरीज थे, और उसमें मैक्सिमम दिल्ली सरकार के अस्पतालों में थे। आज दिल्ली के 3900 मरीज हैं, 3900 मरीज हैं, 1100 मरीज ऐड हुए हैं मोस्टली प्राइवेट हॉस्पिटल्स के अंदर। वो इसी वजह से लोग, क्योंकि लोग अब इस जानकारी से सशक्त हो गए हैं और लोग जाके मांग रहे हैं। मैं फिर भी डिमांड करता, कुछ लोगों को तकलीफ आ रही है, मैं देखता रहता हूँ वीडियो, कुछ लोगों ने कहा कि मैं इस अस्पताल में गया, इस अस्पताल में गया, ऐप के ऊपर लिखा हुआ था। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, ये उन कुछ चंद अस्पतालों की बदमाशी है। कुछ दिन दीजिए मेरे को, अगर ये अस्पताल नहीं माने तो फिर हम सख्त कार्रवाई करने से बिल्कुल नहीं हिचकिचाएंगे। लेकिन मैं सभी अस्पतालों को बोल दूं कि आपको कोरोना के मरीजों की जांच तो करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ एक और हम एक्सरसाइज कर रहे हैं कि दिल्ली सरकार का एक मेडिकल प्रोफेशनल दिल्ली सरकार की तरफ से हर प्राइवेट अस्पताल के रिसेप्शन पे बैठेगा, और वो हमें जानकारी देगा कि कितने अस्पताल, कितने बेड इसके अंदर भर गए और कितने खाली हैं। अगर कोई जाएगा तो वो इंश्योर करेगा कि उसको एडमिशन मिले। तो अब वो फॉल्स रिफ्यूजल जो है, जो अस्पताल बेड होते हुए भी मना करते हैं, जो चंद अस्पताल अगर बेड्स की ब्लैक मार्केटिंग करते हैं, ये धंधा बंद करेंगे अब दिल्ली के अंदर। एक दिक्कत जो कई लोगों ने, कुछ लोगों ने मुझे बताई कि अगर कोई पेशेंट सीरियस है, सांस की तकलीफ हो रही है, ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल काफी कम हो गया, लेकिन अभी कोरोना का टेस्ट नहीं हुआ उसका, वो अस्पताल में जाता है तो उसको कहते हैं सस्पेक्ट मरीज है, अभी उसका कंफर्म नहीं हुआ कि सस्पेक्ट कहते हैं उसको, सस्पेक्ट मरीज है, ऐसे अस्पताल को कोई लेने को मना कर दे, ऐसे मरीज को सारे अस्पताल लेने को मना कर देते हैं, कहते हैं पहले जाके टेस्ट करा के आ, कहां से टेस्ट करा के आएगा, अरे तुम ही तो टेस्ट करोगे, वो कहां से जाके टेस्ट करा के आएगा। तो आज हम ऑर्डर निकाल रहे हैं कि किसी भी सस्पेक्ट मरीज को कोई भी अस्पताल मना नहीं करेगा, अगर कोई मरीज आता है वो सस्पेक्ट है तो उसको मान लो कि वो कोरोना का मरीज है और उसके शुरू कर दो, क्योंकि कोरोना की अलग से दवाई तो है नहीं, अगर वो कोरोना का मरीज है तो पीपी किट पहनना है तो पीपी किट पहन के उसका इलाज शुरू कर दो, उसको ऑक्सीजन तो दे दो, उसको बचा तो लो, उसकी जान तो बचा लो। तो आज हम ऑर्डर पास कर रहे हैं, ऑर्डर कि किसी भी सस्पेक्ट मरीज को मना नहीं किया जाएगा और अस्पताल उसका टेस्ट कराएगा, और टेस्टिंग के बाद अगर कोरोना आ जाता है तो अकॉर्डिंगली काम करेंगे, कोरोना नहीं आता है तो उसको नॉन कोरोना वार्ड में शिफ्ट कर दिया जाएगा। कुछ लोगों ने मुझे कहा कि
उन लोगों को कल से मीडिया के अंदर कुछ चल रहा था कि हमने कुछ चंद दिल्ली में टेस्टिंग बंद हो गई है, टेस्टिंग बंद हो गई है, टेस्टिंग बंद हो गई है। आज 5300 सैंपल्स आए हैं टेस्टिंग, 5300 सैंपल्स की टेस्टिंग हुई जो आज का डेटा है। तो टेस्ट बंद नहीं हुए हैं। दिल्ली में 42 लैब्स, 42 लैब्स सरकारी और प्राइवेट दोनों मिला के टेस्ट करती हैं। उनमें से 6 लैब ऐसी थी जो बदमाशी कर रही थी, ठीक से काम नहीं कर रही थी। उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए नहीं लेना चाहिए? उनके खिलाफ एक्शन लिया हम लोगों ने। 36 लैब अभी भी काम कर रही थी, उन 6 के खिलाफ एक्शन लिया है, 36 लैब अभी भी काम कर रही हैं। तो उनको बचाने की क्यों कोशिश की जा रही है जो लैब गलत काम कर रही हैं? तो उन 6 लैब के खिलाफ एक्शन लिया, 36 लैब अभी भी काम कर रही है, पूरे सैंपल उठ रहे हैं। अगर आपको अपना टेस्ट कराना है, कुछ लोग मुझसे पूछते हैं हम कहाँ जाएं अगर टेस्ट कराना है, सभी सरकारी अस्पतालों के, दिल्ली सरकार के और कई सारे प्राइवेट हॉस्पिटल्स ने भी फ्लू क्लिनिक बनाए हुए हैं। आप किसी भी सरकारी हॉस्पिटल के या प्राइवेट हॉस्पिटल के फ्लू क्लिनिक में चले जाइए, वहां पे टेस्ट होता है। दिल्ली सरकार के 17 कोविड टेस्टिंग सेंटर्स हैं पूरी दिल्ली में, आप वहां चले जाइए, वहां टेस्ट होता है। और इन 36 में से जितनी प्राइवेट लैब्स हैं, वो प्राइवेट लैब्स अपने खुद के, आप सीधे प्राइवेट लैब से संपर्क कर सकते हैं, वहां भी टेस्ट होता है। लेकिन मेरी आपसे एक गुजारिश है, हम जितनी भी टेस्टिंग की, आज सबसे ज्यादा टेस्ट पूरे देश में केवल दिल्ली में हो रहे हैं, सबसे ज्यादा टेस्ट, और इतने टेस्ट हो रहे हैं कि जो सेकंड है हमसे बहुत दूर है, सबसे ज्यादा टेस्ट दिल्ली में हो रहा है। लेकिन जितनी भी टेस्टिंग कैपेसिटी कर लें, कमी है, लिमिटेड है। अभी हमारी इस टाइम सबसे बड़ी प्रायोरिटी केवल और केवल लोगों की जान बचाना है। माइल्ड केसेस हैं, एसिम्टोमेटिक केसेस हैं, वो तो ठीक हो ही जाएंगे, कोरोना आया चला जाएगा, जैसे बुखार आता है चला जाता है। जो सीरियस केस हो जाते हैं, जिनका ऑक्सीजन सेचुरेशन लेवल गिर जाता है, रेस्पिरेटरी रेट बढ़ जाता है, उनको बचाना हमारा मकसद है। अगर सभी एसिम्टोमेटिक लोग अपने टेस्ट कराने पहुंच जाएंगे तो सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा हमारा। लोगों के मन में दहशत है, इस दहशत को निकालना पड़ेगा। लोग डरे हुए हैं और इस डर की वजह से सब चाहते हैं कि मैं भी टेस्ट करा लूं, मैं भी टेस्ट करा लूं, मैं भी टेस्ट करा लूं। दिल्ली की 2 करोड़ जनसंख्या है, अगर हर रोज 10,000 एसिम्टोमेटिक लोग टेस्ट कराने पहुंच गए तो हमारी लैब तो कम पड़ जाएंगी ना, कितनी भी टेस्टिंग की कैपेसिटी बना ले हम। तो एसिम्टोमेटिक वाले प्लीज टेस्ट ना कराएं, इंसिस्ट ना करें। एसिम्टोमेटिक वाले अगर लोग टेस्ट कराएंगे तो सीरियस लोगों की टेस्टिंग रुक जाएगी। उन सब लोगों से मेरी गुजारिश है कि एसिम्टोमेटिक, जिनको सिम्टम्स नहीं है, कोई सिम्टम नहीं है, किसी तरह का सिम्टम नहीं है, वो टेस्ट ना कराएं। टेस्टिंग की कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, हो सकता है कि थोड़ा सा टीथिंग प्रॉब्लम्स हो लास्ट मिनट, अगर कुछ हैं तो मैं उसको ठीक कर दूंगा। हम उसको एक 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 चीज़ के ऊपर नजर रखे हुए हैं, कुछ अगर इस तरह की प्रॉब्लम है उसको भी ठीक कर देंगे। आप स्वस्थ रहें, खुश रहें, यही मेरी कामना है। नमस्कार।